आगे बढ़ेंगे और अब खबर ईरान और इसराइल में चल रहे युद्ध की स्थिति से जुड़ी हुई, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं और ये चाहते हैं कि दोनों ही देशों के बीच में जो तनाव की स्थिति है वो कम रहे या फिर उसे दूर कर लिया जाए वक्त रहते, नहीं तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच में इसराइल के हमले से ईरानी विदेश मंत्री भड़क गए हैं और ये कह रहे हैं कि अगर इसराइल पीछे नहीं हटता है, यानी कि इस तरीके से जो हमले की आशंका बनी हुई है उसमें इसराइल पीछे नहीं हटता है तो फिर हम पूरी ताकत के साथ उसका जवाब देंगे। हमले के पीछे इसराइल के होने के सबूत नहीं है, हालांकि ये भी कहा गया है जांच में कुछ भी मिला तो इसराइल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ईरान पर हुए हमले की अभी भी जांच चल रही है। आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों ही ईरान के 6 से 7 शहरों में बम बरसाए गए हैं, लेकिन ईरान ये कह रहा है, ईरान के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि इसमें इसराइल का हाथ है, इस बात के सबूत मिले नहीं हैं। जब इसराइल से इस बारे में पूछा गया तो इसराइल इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहा है, अमेरिका ने भी चुप्पी साध ली है। अब सवाल ऐसे में ये कि युद्ध की जो स्थिति है, तनाव की स्थिति है, वो ईरान और इसराइल के बीच में है, ईरान के शहरों पर अगर बम बरसाए जा रहे हैं तो उसके पीछे हो कौन सकता है। ईरान ये कह रहा है कि अगर जांच में ये साबित हुआ, ये पाया गया कि ये इसराइल की तरफ से हुआ है तो फिर नहीं, फिर तबाही बड़ी होगी। कर्नल रिटायर्ड तेजेंद्र त्यागी इस पर जुड़ गए हैं हमारे साथ बात करने के लिए। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस पर अपनी राय रखेंगे। साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढ़ी भी हमारे साथ में हैं। सभी लोग डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं, साथ ही साथ जीएस सोढ़ी विदेश मामलों के जानकार भी हैं जो इस पर बताएंगे कि क्या है इस युद्ध के मायने अगर ये स्थिति और ज्यादा टकराव वाली होती है और ज्यादा भयावह होती है तो। यूके देवनाथ सर, ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है उस पर दुनिया के बाकी देशों की निगाह इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ यूक्रेन और रूस है जहां युद्ध अभी तक शांत नहीं हुआ, फिर इसराइल ने मोर्चा खोल दिया हमास के खिलाफ, वहां बेगुनाहों की जान गई है और अब ईरान और इसराइल भी इसी तरह की टकराव की स्थिति में, और ईरान कह रहा है अगर ये जो हमला हुआ है रिसेंटली, इसराइल का हाथ अगर इसमें पाया गया तो फिर खैर नहीं। जी हाँ, फिलहाल पश्चिम एशिया में शांति की हवा बह रही है इसराइल और ईरान के बीच में, ये बहुत अच्छी बात है। हुआ ऐसा है कि ईरान जो है फिलहाल चाहता नहीं है कि वो इस युद्ध में अपना ध्यान बटाए। ईरान का पूरा ध्यान जो है वो रखना चाहता है केंद्रित 3 जगह पर, हमास को मदद, हिजबुल्ला को मदद और हुती को मदद, क्योंकि इसी से वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है। इसलिए ईरान जो है फिलहाल ऐसा बोल रहा है कि इसराइल ने शायद कुछ हमला किया था, छोटा मोटा हमला किया था, कोई 3 छोटे छोटे ड्रोन क्वाड्राकॉप्टर जिसको बोलते हैं वो आए थे, और ईरान ये भी बोल रहा है कि शायद ये क्वाड्राकॉप्टर जो है वो ईरान के अंदर से ही लॉन्च किए गए थे, ईरान के अंदर जो विरोधी हैं या ईरान के अंदर जो विघटनकारी तत्व हैं जो कि इसराइल के इशारे पर इस 2-3 ड्रोन्स को लॉन्च की। इससे ईरान अपने को बाध्यता जो ईरान ने की थी कि हम इसराइल पर बहुत बड़ा हमला कर देंगे, उस बाध्यता से ईरान अपने को बाहर रख रहा है। इसी तरह से इसराइल ने अभी तक इस कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की है ऐसा बोलकर कि उसने ये हमला किया ईरान के ऊपर। हाँ, इराक में एक ऐसी मिसाइल का मलबा मिला है जो कि लगता है कि परसों इसराइल ने फायर किया था ईरान की तरफ। उस मलबे को देख के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये एक इसराइल के पास एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्लू एरो, तो लगता है कि ये ब्लू एरो का मलबा है। तो अगर देखा जाए तो उस मलबे को देख के लगता है कि छोटी मिसाइल है, उसमें कोई बड़ा वारहेड फिट नहीं होता और कोई वारहेड मिला भी नहीं है। हो सकता है कि वो वारहेड इधर उधर कहीं छितर भितर के ईरान में किसी नॉन मिलिट्री टारगेट या डेजर्ट में कहीं पर गिर गया। तो उभय पक्ष जो है अभी 2 चीजें कर रही हैं। इसराइल तो ऐसे दिख रहा है कि हमने हमला नहीं किया, लेकिन इसराइल के जो इंटरनल सोशल मीडिया है, इसराइल के अंदर जो सोशल मीडिया है वो पूरी तरह से ऐसी खबरों से, व्हाट्सएप में, इंस्टा में ऐसी खबरों से भरा हुआ है कि इसराइल ने ईरान से बदला ले लिया। तो ये एक चेक एंड मेट वाली बात हो रही है। उभय पक्ष इस वक्त एक दूसरे से उलझने से
अपने को पीछे रख रहे हैं। जी जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है, इस सिचुएशन में अगर ईरान ये धमकी दे रहा है, कर्नल सोढ़ी, अगर ईरान ये कह रहा है कि अगर इसराइल का हाथ इसमें गलती से भी सामने आ गया तो फिर तबाही बड़ी होगी, ईरान जो कह रहा है क्या वो कर सकता है प्रैक्टिकली, क्या ये पॉसिबल है? जहिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 2007 से पहले जो भी इसराइल के युद्ध हुए कई अरब देशों के साथ, एक वक्त इसराइल ने सारे इन अरब देशों को हराया, लेकिन 2007 से सब कुछ बदला जब चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और उसने अरब देशों का समर्थन करना शुरू किया आर्थिक और सैनिक तरीके से। उसका नतीजा ये है रचना जी कि आज की तारीख में इसराइल इन सारे अरब देशों के साथ लड़ नहीं सकता है, इसराइल में वो सैनिक क्षमता नहीं रही है, क्योंकि ये अरब देश आर्थिक और सैनिक रूप से 2007 से बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। इसराइल ने ये जो ईरान पे हमला किया कुछ दिन पहले, इसराइल ने अब तक उसकी जिम्मेवारी नहीं ली है, ये चीज साफ दिखाती है कि इसराइल में अब वो ताकत नहीं है जो 2007 से पहले थी। पिछले साल 7 अक्टूबर से अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार कह रहे हैं जितना लंबा ये युद्ध इसराइल खींचेगा हमस के साथ उतनी अपने लिए दिक्कत करेगा। आज ईरान एक बहुत ताकतवर देश बन के उभर चुका है। इसी साल 17 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट सैप्स ने बयान दिया था कि अगले 5 साल में दुनिया में नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे जिनके पीछे 4 देश होंगे, रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया। और उनकी ये बात बिल्कुल साफ, सही, सटीक दिखती हुई नजर आ रही है। ईरान, अगर ईरान के पास एक बड़ी सेना है, हालांकि उसका इराक इसराइल के साथ कॉमन बॉर्डर नहीं है, लेकिन उसकी मिसाइल पावर बहुत अच्छी है। जो उसने 14 अप्रैल को तड़के सुबेरे हमला किया, कुछ रक्षा विषय के उसे असफल कह रहे हैं, मेरी नजर में वो बहुत सफल था, क्योंकि ईरान ने एक दिन पहले अमरीका और तुर्की को बताया कि आप इसराइल को बताइए कि हम अगले दिन तड़के सुबेरे 2 और 4 के बीच इन इन जगह पे मिसाइल दागेंगे, क्योंकि ईरान का मकसद इसराइल में क्षति पहुंचाना नहीं था, सिर्फ इसराइल को एक मैसेज देना था कि अगर इसराइल ने वार किया तो वो उसका मुंह तोड़ा करारा जवाब देगा। और आज की तारीख में इसराइल ईरान सार्थक है, सक्षम है इसराइल के ऊपर बड़ा हमला करने के लिए। जिस तरह की सिचुएशन अभी ईरान और इसराइल के बीच में बनी हुई है, कई देश ऐसे हैं जो ईरान के सपोर्ट में आ गए हैं और कई देश ऐसे हैं जो इसराइल के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। इन सब के बीच में अमेरिका जो ये कह चुका है कि हम इसराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, अमेरिका से जुड़ा बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है, अमेरिका की माइक्रोवेव मिसाइल से ईरान थर्राया हुआ है, ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर सकती है ये मिसाइल। माइक्रोवेव मिसाइल ईरान के एटमी ठिकानों पर खतरा बनी हुई है, माइक्रोवेव मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मिसाइल की जो तकनीक है वो अमेरिका के अलावा और किसी के पास है नहीं, यानी कि इसे रोकना या नष्ट करना ईरान के बस की बात है नहीं। माइक्रोवेव मिसाइल किस तरीके से टारगेट को हिट करती है और कितनी बड़ी तबाही ये ला सकती है, इसके बारे में हम समझेंगे। तेजेंद्र सर, अगर अमेरिका की तरफ से ये मिसाइल ईरान की तरफ आगे जाती है तो ये तबाही कितनी बड़ी हो सकती है, इस मिसाइल की खासियत क्या है, और अमेरिका जो कि इसराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है, इनफैक्ट जग जाहिर कर चुका है, ऐसे में ईरान को कितना अलर्ट रहना चाहिए और ये मिसाइल क्या कर सकती है? देखिए, आज की तारीख में कोई भी हथियार अल्टीमेट नहीं है। जब रशिया का मॉस्को वो शिप डूबा था तब ये बात बिल्कुल सामने आ गई थी, हाइपरसोनिक मिसाइल भी अल्टीमेट नहीं है, वो भी किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर कमजोर होती है। अब ये माइक्रोवेव मिसाइल के बारे में आज तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी या तो लॉन्च के समय या अटैक के समय और या मीडियम जब पात होता है उस समय ये कमजोर हो सकती है, लिहाजा ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि इसका कोई जवाब है ही नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जवाब ना हो। अमेरिका साथ में है। अब ईरान के बारे में जो बातें चल रही हैं, मैं कहना चाहता हूं कि लफ्जों के बीच में से मतलब निकाला जाता है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि अगर इसराइल नहीं रुका तो, इसका मतलब ये कि अब जो हुआ है इसके बाद अगर नहीं हुआ तो, और फिर यही तो ईरान है जिसने ये कहा था कि अब अगर इसराइल से हमला हुआ तो 13 दिन का इंतजार नहीं करेंगे, हम तुरंत एक्शन लेंगे, और ये भी कहा था
कि अगर छोटा भी हमला हुआ तो हम बड़ा जवाब देंगे। अब वो कहाँ है बड़ा जवाब, अब वो कहाँ है 13 दिन का टाइम। और तो और जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उनसे ये पता लगा कि ये जो इस्फाहान शहर है और जिसमें वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास S-300 सिस्टम रशिया का तैनात किया हुआ था और सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा कि उसको इस अटैक के अंदर तबाह कर दिया गया। यानी कि इसराइल के इस छोटे से अटैक को, जिसे वो कह रहे थे कि ये बच्चों के खेलने के ड्रोन से इसराइल ने अटैक किया है, उसने S-300 को तबाह किया। सिग्नल क्या दिया गया कि हम 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए भी इसराइल के इस्फहान शहर जो ईरान के सेंटर में है वहां तक पहुंच सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ईरान क्या एक्शन लेगा। ईरान रिएक्शन कर जा सकता है। आप ये बताइए कि क्या ईरान ग्राउंड ट्रूप से इसराइल पर चढ़ाई कर सकता है। भाई साथ में जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है, तीन देशों को पार करना पड़ेगा तब वो पहुंचेगा इसराइल तक। क्या वो पानी के रास्ते इसराइल पर अटैक कर सकता है। वहां पे दुनिया भर के डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने पहले तैनात कर रखे, मेडिटेरियन सी हो या रेड सी हो। क्या वो हवाई जहाज से यानी कि एयर के रास्ते इसराइल को हरा सकता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके जो एयरक्राफ्ट है वो पुराने समय के हैं, वो 50-60 साल पुराने हैं और जो इसराइल के पास है वो मॉडर्न है। अब हाँ ये हो सकता है कि रशिया उसको SU-35 दे दे और S-400। और रशिया तो पहले ही बचाव में आ चुका है, वो कह रहा है ईरान है जो तनाव चाहता नहीं है। इन सब के बीच में तेजेंद्र सर ने बता दिया कैपेबिलिटी उतनी ईरान की नजर नहीं आती है, लेकिन बावजूद इसके वो बड़े तबाही की तरफ इशारा कर रहा है। कह रहा है अगर इसराइल इस हमले के पीछे होता है या आगे इस तरीके से कोई भी काउंटर अटैक करता है तो तबाही बड़ी होगी, उसके लिए तैयार रहें।